अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। तुम तो उतर लो। आत्मरे फास्ट है, वर्टिकल डिसेंट फेस में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। लॉट ऑफ अप्लॉज इंडिकेट्स दैट टिल नाउ द परफॉर्मेंस हैज बीन नॉमिनल। वी आर इन द वर्टिकल डिसेंट फेज 1। द ऑल्टीट्यूड इज बीइंग ब्रॉट डाउन फ्रॉम 800 मीटर्स and we are nearing an approach। क्या height लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम landing site के just ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास। वाह सुपर। इस phase के दौरान लगभग 350 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद lander अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए hovering करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि second hovering phase के complete होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाएगी। जी हाँ, अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड उतना कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently only 2 engines are now being fired and we are nearly at 0 velocity vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। क्या मिलती है विवेक।